केमिस्ट्री के अंडर हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 15, जो कि हमारा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, रबर्स, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। ये हम थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं इस यूनिट का। आज के वीडियो में हमें पढ़ना है डाइज एंड सिरामिक्स के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। यहाँ पे बात करते हैं डाइज की। तो कभी ना कभी आपने ये चीज़ देखी होगी, लड़कियों को तो पता भी होगा कि हाँ दुपट्टा डाई करवाना है, तो उसका मतलब क्या है कि उस पर कलर लगवाना है, कलर चढ़ाना है। अच्छा जी, बालों पे डाई करनी है, हेयर डाई करना है, मतलब बाल सफ़ेद हो गई हैं उन पे डाई करना है, या रेड या ब्राउन सा या ब्लैक कलर चढ़ाना है ना। तो यहाँ से डाई का मतलब आप क्या समझे, किसी भी चीज़ के ऊपर एक काइंड ऑफ परमानेंट कलर चढ़वाना। ठीक है, अब ये परमानेंट है या टेम्परेरी है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। जैसे आप किसी कपड़े पे या किसी दुपट्टा के ऊपर डाई करवा रहे हो तो वो परमानेंट रहता है, 90% 10% खराब हो सकता है। हेयर डाई करते हो तो वो तो कुछ टाइम बाद बाल फिर से सफ़ेद हो जाते हैं, फिर से डाई करनी पड़ती है। घर पे दादा होंगे, दादी होंगे, मम्मी पापा डाई करते होंगे, किसी ना किसी को आपने देखा होगा, तो आप उस चीज़ से इसे रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा अब अच्छे से समझें कि डाइज क्या होती हैं। So these are used to impart color to textiles, paper, leather and other materials. किसी material पे, leather पे, paper पे, कपड़े पे color चढ़ाना जो है उसके लिए हम dye का use करते हैं। And कलर इस तरह से चढ़ाना कि कलर जो है एकदम से कपड़े को धो के या धूप में रख के या लाइट के इफेक्ट से चला ना जाए, खराब ना हो जाए। मान लीजिए डार्क कलर का, बिल्कुल रेड कलर चढ़ा रही है किसी चीज़ पे, तो अगर उसको धूप में रखा है वो खराब ना हो जाए, वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं खराब ना हो जाए। तो इस तरह से परमानेंट कलर चढ़ाना टेक्सटाइल पे, पेपर, लेदर या किसी और मटेरियल पे इज यूज्ड बाय यूजिंग डाइज। उसको हम डालेंगे, कलर लगाएंगे कैसे, डाई का यूज करके। अब देखिए, ये तो सिंपल बात ही, ये जो ज़्यादातर डाइज होती है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑलरेडी पूरा यूनिट पढ़ा है हमने इसके ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाइटर फोर्स थ्योरी, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, राइट। चलिए, अब ये जो डाइज होती हैं ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि जो पिगमेंट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब पिगमेंट, यहाँ पे नया वर्ड उठ के आ गया, पिगमेंट क्या होते हैं, तो ये भी डाई की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बहुत तीखे, जो डार्क या ब्राइट, चमकीले, यस चमकीले इज द करेक्ट वर्ड, चमकीले ब्राइट कलर्स जो हैं किसी लेदर या टेक्सटाइल को प्रोवाइड करवाते हैं। एंड मे बी द डाइज That are sometimes insoluble in the medium employed. कई बार हम इसको, जैसे देखा होगा आपने दुपट्टे पे कलर चढ़ाते हैं, पानी में वो उन्होंने कुछ कलर मिलाया होता है, वो कलर इतना परमानेंट होता है कि उस दुपट्टे या सूट को आप वॉशिंग मशीन में भी धो दो वो जाता नहीं है कलर। कई बार लाइट हो जाता है ना, पर जाता नहीं है वो कलर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पिगमेंट्स ब्राइट कलर्स देते हैं, लेकिन पिगमेंट कुछ इस तरह की डाइज होती है ना, कई बार ये इनसॉल्यूबल भी होती है, जिस मीडियम में आप इसको इम्प्लाई करना चाह रहे हो उस पर इनसॉल्यूबल भी होती है। ठीक है, अब देखिए, हमने दो चीज़ें आज के वीडियो में पढ़नी है, एक है डाइज, एक है सिरामिक्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से ढूंढ के मिलेंगे, अगर कहीं मिल भी रहे हैं तो उसमें ऐसा होगा कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि जितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हम पढ़ें। वैसे तो डाई खुद में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इतना हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन राइट। अब देखिए, डाइज आपके दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है सिंथेटिक। मैंने आपको बताया सिंथेटिक जहां भी यूज हो रहा है, मतलब इसको लेबोरेटरी में केमिकली आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, ये एक्चुअल में वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो नेचुरल डाइज क्या होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं। अच्छा, पुराने जमाने में हमने पढ़ा था कि गुफाएं होती हैं, वहां पे पेंटिंग करते थे, तो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनसे वो ग्रीन कलर लेते थे, फूलों से वो रेड कलर लेते थे, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर में, ये चीज हमने डिस्कस की थी, है ना। वही चीज़ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, तो जो ये हमारी नेचुरल डाइज होती है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलती है, मोस्ट कॉमनली जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, लिचन्स हैं, इनसे मिलती हैं। अब दो नेचुरल डाइज हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक है एलिजरीन, एक है इंडिगो। इंडिगो रिवोल्ट है ना, ये तो हमने वैसे भी पढ़ा है, कुछ पर्पल ब्लू कलर होता है। तो अब यहाँ पे एलिजरीन की बात करें तो ये रेड डाई होती है जो कि मेड प्लांट के जो रूट्स हैं वहाँ से निकाली जाती है, नेचुरली अकर करती है भाई, ठीक है। दूसरा है इंडिगो, इंडिगो की खेती है ना, नील की खेती हम जिसको बोलते हैं। अच्छा, नील भी देते थे पहले के कपड़ों में, अब तो मैंने नहीं देखा, बट नील की एक शीशी होती थी बॉटल, कपड़े धोते थे सफेद, जो आपका कपड़ा है उस पर नील देते थे ताकि वो बिल्कुल चमक जाए, वाइट हो जाए, है ना। चलिए, तो ये जो है माना जाता है कि इंडिगो सबसे पुरानी
जो है नेचुरली अकर करने वाली डाई है, ब्लू पर्पल कलर की डाई होती है। ये यूरोप में मिलती है नॉर्मली, वहाँ पे जो लीव्स हैं डायर्स वुड हर्ब के, ये जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ झाड़ियाँ वहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा एक और है, एक एलिजरीन है, इंडिगो है, नेचुरल डाइस के नाम है ये। बहुत डीप आपसे कोई नहीं पूछता डेप्थ में, लेकिन थोड़ा पता होना जरूरी है। एल्जरीन है, इंडिगो है, यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स हैं, है ना, येलो से रेड कलर की इसकी शेड होती है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये सारे हो गए हमारे तीन नेचुरल डाइस। इसके अलावा लॉगवुड, लॉगवुड इकलौती ऐसी नेचुरल डाई है जो आज के डेट में भी इंटेंसिवली यूज हो रही है। ठीक है, अब देखो नेचुरल डाइस का हो गया, अब हम देख लेते हैं कि हमारी सिंथेटिक डाइस क्या होती है। सिंथेटिक माने आर्टिफिशियली बनाई जा रही है। तो ये पहली कमर्शियल एंड सक्सेसफुल सिंथेटिक डाई है जिसका नाम है मॉफ। ये डिस्कवर की गई थी ब्रिटिश केमिस्ट विलियम एच पर्किन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हमने डाइस देख ली, नेचुरल क्या होती है, सिंथेटिक क्या होती है। इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट रह रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ डाई से हमने क्या समझा, एक कलर्ड कंपाउंड है जो कि मेनली सॉल्यूशन फॉर्म में होता है एंड इतना कैपेबल है कि वो बिल्कुल चिपक जाता है फैब्रिक के साथ, फैब्रिक का कलर ही चेंज कर देता है, वो होता है डाई। अब देखिए ऑलमोस्ट जितने भी कलर्स हम आज के डेट में यूज करते हैं या डाइज यूज करते हैं कलरिंग के लिए, वो सिंथेटिक डाइज होती हैं। सिंथेटिक डाइज के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम डेफिनेटली इन डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं। एसिड डाइज हैं, बेसिक डाइज हैं, एजो डाइज हैं, मॉडर्न डाइज हैं, इनके अपने स्ट्रक्चर्स होती हैं, अलग अलग यूजेज होते हैं, लेकिन इतना हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये समझ लो कि जितने भी कलर्स हम आज के डेट में यूज करते हैं सभी के सभी सिंथेटिक डाइज होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये डाई वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये जो प्रॉपर्टीज है ना चार, ये सो किसी भी डाई को यूज करना है तो उस डाई में चार प्रॉपर्टीज तो होनी ही चाहिए। पहला कलर, भाई जो आपका टारगेट है कि कलर चेंज करना है फैब्रिक का या किसी भी चीज का, वो कलर चेंज हो तो ये तो होना ही चाहिए। दूसरा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए तभी आप कलर चेंज कर सकते हो। किसी कपड़े पे कलर चढ़ाना है तो उस डाई को पानी में मिक्स करना होगा। हेयर डाई करना है तो उस जो पाउडर वाली होती है, पैकेट में जो होता है पाउडर सा, उसको पानी में मिक्स करना पड़ेगा। सो डाई की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो पानी में सॉल्युबल होना चाहिए। तीसरा है एबिलिटी टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड रिटेन बाय फाइबर, डाई में इतनी पावर होनी चाहिए कि जिस भी कपड़े पे किसी भी फैब्रिक पे कलर चढ़ा रहे हैं तो वो फाइबर उसको रिटेन रखे, एब्जॉर्ब रखे, और केमिकली भी उस डाई के स्ट्रक्चर को एकदम से चिपकना होता है फैब्रिक के साथ, फाइबर के साथ। ठीक है, फोर्थ है एबिलिटी टू विदस्टैंड वॉशिंग। अच्छा जी, अगर हम धो रहे हैं कपड़ा, कपड़े का रंग ही चला गया तो फिर क्या फायदा। तो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए उस डाई में कि वॉश भी करें लेकिन वो हटे ना, ड्राई क्लीन करें तब भी ना हटे, लाइट के लिए छोड़ दें, ऐसी एक्सपोजर टू लाइट का मतलब है कि हाँ धूप लगी है, पूरा दिन धूप में पड़ा हुआ है कपड़ा, तब भी उसका कलर ना जाए। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए, कलर, वाटर में सॉल्युबिलिटी, एकदम रिटेन, केमिकली चिपक जाए फैब्रिक के साथ आपके, और वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग इस चीजों को विदस्टैंड कर सके। नेक्स्ट आता है दैट डाई हैज कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोस्फीयर। जो डाइज होती है ना, इनमें हम बोल रहे हैं कि डाई कलरिंग का काम करता है टेक्सटाइल पे, लेदर पे, हेयर पे, है ना। तो ये डाई जो है इसमें कलर होता है क्रोमोस्फीयर की प्रेजेंस की वजह से। अब क्रोमोस्फीयर क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जो डाई में कलर प्रोवाइड करवाती है। ये एटम्स का या इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप है डाई मॉलिक्यूल के बीच में, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलर ऑफ द डाई। ठीक है, चलिए अब हमारा ये डाइज वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। आपको लगता है कोई चीज मिसिंग है, कुछ भी कहना चाहते हैं, रिकमेंडेशन है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा जितना जरूरी था उससे ज्यादा ही हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए दो टॉपिक्स आज हमें पढ़ने थे, एक था हमारा डाइज जो कि हम पढ़ के पूरा कर चुके हैं, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिरामिक। सिरामिक क्या होता है, उसके यूजेस, वो सब कुछ हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। लेकिन आपको वीडियो के साथ में अपनी नोट्स मेकिंग करते रहना है। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं वीडियोस ला रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू रखूं। ठीक है, थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है कि नहीं यार बच्चे देख रहे हैं तो मुझे करना है काम, डेली वीडियो अपलोड करनी है। कई बार क्या होता है व्यूज नहीं होते तो बड़ी डिमोटिवेशन सी रहती है कि आप लोग देख तो नहीं रहे हैं, कल बनाऊंगी वीडियो, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट करें और मैं अपनी तरफ से मोटिवेशन को कम नहीं होने दूंगी। ठीक है,
चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिरामिक्स क्या होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं चीनी मिट्टी। तो सिंपल जो मिट्टी होती है उसमें कुछ और चीजों को मिक्स करके आपका बन जाता है चीनी मिट्टी, यानी कि सिरामिक। चलिए अब थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में देखें कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सिरामिक यानी कि चीनी मिट्टी जो आपकी होती है हार्ड होती है, ब्रिटल होती है, एकदम से टूट जाती है, हीट रेजिस्टेंट होती है। जितना मर्जी इसको गर्म टेम्परेचर में रख लो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, इस पर जंग नहीं लगेगा, आप जो मर्जी कर लो, है ना। इस तरह का मटेरियल होता है। कैसे बनता है, जो इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल जैसे कि क्ले है आपका, है ना, इसको बिल्कुल जलाएंगे, गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर, कुछ मिक्सिंग करेंगे मटेरियल्स की, उसके बाद हमारा बनेगा सिरामिक। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके अर्थनवेयर है, पोर्सलिन है, ब्रिक है, ठीक है। अब सिरामिक की बात करें तो ये एंशियंट ग्रीक वर्ड केरामिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऑफ और फॉर पॉटरी, मिट्टी के लिए, मिट्टी के बर्तन, है ना। तो ये भी चीनी मिट्टी के, ये भी एक्चुअल में मिट्टी के ही बर्तन होते हैं, बट थोड़ी एक्स्ट्रा मिक्सिंग होती है। पॉटरी बिल्कुल अलग हो जाती है, सिरामिक्स एक काइंड हो जाता है उसका, ठीक है। अब देखो कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, फिर स्टडी या इसकी एक्सप्लेनेशन को हम क्या बोलते हैं, और कुछ यूजेस हैं इसके कि कहां कहां हम सिरामिक को यूज करते हैं, दैट्स इट। सो दे विदस्टैंड द केमिकल इरोजन दैट अकर्स इन अदर मटेरियल सब्जेक्टेड टू एसिडिक एंड कॉस्टिक एनवायरमेंट्स। आप किसी और मटेरियल को ऐसी जगह पे रख दो जो आसपास की चीजों से केमिकली जो है वो बॉन्ड बना लेता है, खराब हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना अचार है आपका, स्टील के डब्बे में देखा कभी आपने अचार रखा हुआ, या तो प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं, नॉर्मली आपको शीशे के डब्बे में दिखेगा रखा हुआ, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है स्टील के साथ, है ना। वैसे ही जूस होता है आपका, हम अगर आप देखते हैं घर में मौसमी का जूस बनाते हैं, है ना, या नींबू पानी बनाते हैं, कभी स्टील के गिलास में पीते हैं नींबू पानी या मौसमी का जूस, नहीं, हमेशा शीशे का गिलास होता है। अगर कई बार नहीं होते घर पे शीशे के गिलास में, बताओ तो छोटे छोटे दो ग्लासेस में बना के पी लेते हैं, लेकिन कभी बड़े स्टील के गिलास में नहीं पीते, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट करता है, है ना। तो वैसे ही जैसे और मटेरियल्स रिएक्ट कर जाते हैं आसपास के अपने एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, टेस्ट, कलर, शेप चेंज हो जाती है, वैसा सिरामिक के साथ नहीं होता है, केमिकल इरोजन इसमें नहीं होता है। जितना मर्जी कर लो ये जैसा बना हुआ है वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट आता है कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। जितनी मर्जी गर्मी हो जाए इस पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। इसका हाई मेल्टिंग टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज्यादा इसको हीट दो, बहुत ज्यादा हीट लेने के बाद ये मेल्ट करेगा। कंडक्टिविटी पोअर है, कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी या हीट को। नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है सिरामोग्राफी। सिरामोग्राफी क्या होता है, आर्ट एंड साइंस, ऐसी आर्ट एंड साइंस जिसमें सिरामिक के जो चीजें होती हैं या माइक्रोस्ट्रक्चर्स होती हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जामिन करना है, कैसे इवेलुएट करना है, ये सब कुछ आ जाता है सिरामोग्राफी, है ना, सिरामोग्राफी याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस। चलिए अलग अलग सेक्टर में क्या क्या यूजेस हैं सिरामिक के वो हम देखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम जो ब्रिक्स हैं, टाइल्स हैं, रूफ टाइल्स हैं यूज करते हैं, वो सिरामिक से भी मिलकर बनी होती है। हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कि आपके बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आर्ट वाली चीजें हैं, सिरामिक से मिलकर बनी होती है। ग्लास है आपका विंडोज में, फिश टैंक्स होते हैं, एक्वेरियम्स होते हैं, वहां पे आपका सिरामिक यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पार्क प्लग्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हैं, वहां पे यूज होता है। मिलिट्री में हाई स्पीड मिसाइल्स में यूज होता है। स्पेस सेक्टर में यूज होता है टू इंसुलेट पार्ट्स ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। स्पेसक्राफ्ट में अगर जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, स्पेस पे जाता है, तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होने की वजह से पार्ट्स को अलग अलग रखने का काम करता है सिरामिक। इंसुलेट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग विद अ मटेरियल दैट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिसिटी, हीट और साउंड फ्रॉम पासिंग थ्रू। मान लीजिए इसके अंदर कोई चीज है जिसका नाम ए है, इसको आप स्पेस में भेज रहे हैं, तो ये अगर वहां पर टेम्परेचर या बाहर की किसी चीज से इफेक्ट हो जाए तो इसकी शेप, प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाएंगी। इसलिए इसके बाहर हम क्या करेंगे, जो मैंने डार्क सा बना दिया, सिरामिक की लेयर लगा दी। अब बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है, हीट लाइट का इफेक्ट है, अंदर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसा भेजा जा रहा है ऊपर जाके भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इंसुलेट करना, बचाना, बाहर की चीजों से बचाना अंदर वाली चीज को, वो बोलते हैं हम इंसुलेट करना। एंड स्पेसक्राफ्ट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको इंसुलेट करने का काम करता है सिरामिक अगेंस्ट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, ठीक है।
अब देखिए, इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। इसी के साथ वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।